Şahlayan metin. Milad-ı Vaktaşların bir duyvarsik çınav satır Mişo 2021 के लिए होने वाले चुनाव जो 16 जनवरी 2019 को निर्धारित है, उस चुनाव में मैं अध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। अध्यक्ष के पद पर अपना निर्वाचन दिया, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विगत दो सत्र में, सत्र 2012 में मैं प्रथम बार सचिव के पद पर का प्रत्याशी हुआ और 2015 में भी सचिव के पद का प्रत्याशी हुआ। 2015 में जो स्थिति संघ की बनी, उस स्थिति के अनुरूप मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई। संघ जो जिला अधिवक्ता संघ, जिसे मुक्त कारखाना के नाम से जाना जाता है, जिले का ये गौरव है, काफी प्राचीन है। इधर आकर मेरे नामांकन दाखिल करने के पश्चात मतदाताओं के बीच मेरे विरुद्ध भ्रांति फैलाई जा रही है कि मुझमें अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का व्यक्तित्व नहीं है। मैं मतदाता मालिकों को अवगत कराना चाहता हूं कि किसी पद धारक के वाह व्यक्तित्व से ज्यादा उसके कार्य क्षमता तथा पद के प्रति समर्पण ज्यादा जरूरी होता है। फैलाई जा रही भ्रांति के लिए मैं मतदाता मालिकों से, अपने जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानित सदस्यों से वचन करता हूं कि यदि मुझे मौका मिला इस सत्र में, तो मैं यह घोषणा करता हूं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर संघ के वरीय सदस्य, जिन सदस्यों को झंडोत्तोलन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, वैसे सदस्यों को मेरी तरफ से मैं मनोनीत करूंगा और वो सदस्य झंडोत्तोलन करेंगे। मेरे संघ में वह वरीय पदाधिकारियों के आगमन पर जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में संघ के वरीय सम्मानित सदस्य ही उक्त सभा की अध्यक्षता करेंगे। मैं चूंकि मैं भी मुख्तार का लड़का हूँ, मैं भी स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद श्रीवास्तव और भोला बाबू मुख्तार का मैं लड़का हूँ और मैं वरीय सदस्यों का सम्मान करना भली भांति जानता हूँ और मैंने किया है, कर भी रहा हूं और आने वाले दिनों में करूंगा। संघ की हालात विगत दिनों से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। संघ जर्जर हालात में आज चला गया है। संघ भवन जो काफी पुरानी इमारत है, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसकी देखरेख नहीं हो पाने के कारण वह जर्जर हो चुका। राजनीति हावी होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। संघ में भी वर्तमान कार्यकारिणी को 4.5 साल का मौका मिला। इस 4.5 सालों में मैं मतदाता मालिक संघ के सदस्य, सम्मानी सदस्यगण, मेरे बड़े वरीय पदाधिकारी, वरीय अभिभावक तुल अधिवक्तागण, मेरे समकक्ष तथा मेरे अनुज भाई लोग इस हालात से रूबरू है। किस तरह इन 4.5 वर्षों में जो बार काउंसिल पटना
के निर्देश के आलोक में 4.5 वर्षों में 5वां साल चुनाव हो रहा है। यह वर्तमान कमेटी इन 4.5 वर्षों में क्या की? इन 4.5 वर्षों में वह एक ही काम की कि जितनी भी पुरानी कुर्सियां और टेबल थे उन सबों को पेंट कराई गई और मन चाहा टेबल पर बैठने वाले मन चाहे सदस्यों को ड्रॉल जो है सो की सुविधा प्रदान की गई। संघ में अन्य विकास का कोई कार्य नहीं देखा गया। यहां तक कि यदि एक विकास का कार्य हुआ तो हमारे सम्मानित वरीय अभिभावक तुल ठाकुर प्रसाद सिंह के पुत्र अरुण बाबू के प्रेरणा से संघ में शौचालय का निर्माण कराया गया। चाहे अरुण बाबू वह कहां से लाए, किस फंड से लाए, कैसे भी लाए, लेकिन उन्होंने बनवाने का काम किया। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। संघ में आज आवश्यकता है युवा पीढ़ी की। संघ बिल्कुल विकास के नाम पर संघ में कुछ नहीं हो रहा है। यहां तक कि आम सभा में मतदाताओं को प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर मतदाता को चिन्हित करने की जिम्मेवारी त्रिसदस्यीय कमेटी बनी जिसका एक सदस्य मुझे भी बनाया गया। मैं बार बार तत्कालीन सचिव को मेरी कमेटी के सदस्य तत्कालीन कमेटी को कहे कि नामांकन पंजी संचिका उपलब्ध कराई जाए, लेकिन उन्होंने 3 पन्ने का बनाया हुआ सदस्यों का लाया, उसी में से हम लोगों ने किया। और इसकी हालात ये है कि वह समय उपलब्ध न होने के कारण, आज तक भी उपलब्ध न होने के कारण निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक दिन मतदाताओं का आवेदन आ रहा है और मतदाता सूची में नाम अंकित करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी बाध्य है। ऐसी परिस्थिति में मैं जिला अधिवक्ता संघ मुख्तारखाना भवन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार मुझे 2 बार अपना मत दिए, ये 3रा बार है, मेरे साथ यदि मतदाताओं का रुझान है तो आप अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे अवसर दें। मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। जिन सदस्यों जो स्वयं अपने घर को अगर चकाचौंध रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, वैसे सदस्य को चुनिए जो जिला अधिवक्ता संघ को स्वच्छ, साफ सुथरा और विकास के रास्ते पर अवसर कराए। मेरा जो घोषणा है कि यदि मुझे अवसर मिला तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर जो संघ भवन की आमदनी, संघ की आमदनी बढ़ाने के लिए जो 2-3 दुकानें पीछे थी, जो शौचालय निर्माण के नाम पर उसे हटाया गया था, जो आज तक उसे एस्टेब्लिश नहीं किया गया और वह दुकानदार रोड के किनारे दुकान लगाने को बाध्य है, ऐसी स्थिति में मैं उन दुकानदारों से निर्माण में हो रही खर्च की राशि लेकर और उसका निर्माण करूंगा, दुकानदार को उसमें एस्टेब्लिश कराऊंगा, संघ की आमदनी बढ़ेगी, संघ का विकास होगा। दूसरा मेरा काज रहेगा कि मुख्य गेट पर मात्र 10,000 रुपये का खर्च है जो एक आर्ट बनाकर उसको ढाल दी जाए, जो गिर रही कब गिर जाएगी, 16 जनवरी से पहले हो न हो वो गिर सकती है। तीसरा मेरा रहेगा कि सीतामढ़ी जिला में अधिवक्ता पारस्परिक कल्याण योजना के गठन के समय से विगत 2 वर्ष पूर्व तक
एक ही कल्याण योजना अधिवक्ता का था दोनों संघों के मिलन से। वो अधिवक्ता कल्याण योजना एक रहे हो इसके जिला में, इसके लिए मैं पहल करूंगा, दोनों संघों की आम सभा बुलाकर और पहल करूंगा। एक रहने से पारदर्शिता रहती है, विकास होती है। हमारा कोई सदस्य 20 साल 25 साल इस सेवा से जुड़ा रहा और जब उस बिछावन पकड़ते हैं या उन्हें चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता होती है, आर्थिक रूप से सबल नहीं रहते हैं, वैसी स्थिति में विलंब होती है चिकित्सा हेतु राशि उपलब्ध। गंदी राजनीति, अतः मैं मतदाता मालिकों से निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार सेवा का अवसर दें, मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतरने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता, जय जिला अधिवक्ता संघ।